मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। सुल्तानपुर में नेशनल हाईवे बनाने के रास्ते में जो भी घर आए उनके मालिकों को उनके घर या जमीन के मुताबिक पैसे दिए गए, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ लोगों की जमीन और घर ऐसे फंसे कि अब वे लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर में बल्दीराय तहसील के हलियापुर कस्बे में शिवशंकर नाम के शख्स रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और दो बेटे हैं। सड़क किनारे अपनी जमीन पर चाय की दुकान लगाकर शिवशंकर अपने परिवार को पाल रहे हैं। शिवशंकर का आरोप है कि कस्बे से अयोध्या रायबरेली NH-330A निकाला जा रहा है। इसमें उनकी भी जमीन थी जिसके लिए उन्हें पैसे देने को कहा गया, लेकिन आज तक उन्हें पूरे पैसे नहीं मिले। उन्हें सिर्फ भट्टी और छप्पर के 23,000 रुपए दिए गए। मुआवजे के लिए अब वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। हमारा दुकान बना था, हमारा सब मकान बना है, हमारे चार बच्चे भी हैं, हम चाय की दुकान चलाई थे, एक हम सब खर्चा पानी हमारा चला था, हमें न मुआवजा मिला न हमें कुछ मिला, हमारा ढकेल दिया, कुम सब मून दिया, कुल मात्र हमारे भट्टी और छप्पर का 23,000 रुपये हमको दिया और एक भी पैसा हमको नहीं दिया। हम शिकायत सुल्तानपुर किया है, सीआरओ ऑफिस में दिया एप्लीकेशन और मीना मैडम के पास कई बार गए, वो बताए कि जाँच में गए हैं, उसके बाद कहे सुलहनामा कर लिया, मैं सुलहनामा नहीं किया कहीं, मैं आज तक कुछ नहीं मिला, मैंने सुलहनामा मैं किया हूँ। पीड़ित का आरोप है कि वे अधिकारियों के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने को कोई भी तैयार नहीं है। पीड़ित का कहना है कि उनके परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वो छप्पर के नीचे रहकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन अब आए दिन जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ये खबर हमारे संवाददाता अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल वॉक प्योरिटी पोटेंशियल एंड परफेक्शन फ्यूल फॉर चैंपियंस।